Hello children, today we will study about hill stations of India. Okay, this is chapter 3rd from general knowledge. Okay, so first we have to know about hill stations. What are hill stations? So hill stations are small tourist towns or cities located up in the hills. Okay, देखो जो hill stations होते हैं वो normal areas जैसे नहीं होते हैं, जैसे वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं होता. hill stations, hills का मतलब समझ रहे हो, थोड़ी ऊँची जगह होती है. जैसे पचमढ़ी हमारे MP में एकमात्र ऐसा hill station है ना, पचमढ़ी MP का हिल स्टेशन है. इसी तरह हमारे इंडिया में कई सारे हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर लोग टूरिस्ट कौन होते हैं, जो इंडिया से भी जाए और इंडिया के बाहर से भी आने वाले या लोगों को टूरिस्ट बोला जाता है. उस जगह पे जो भी जाएगा वो टूरिस्ट कहलाएंगे, ठीक है. और तो क्या होता है, हिल स्टेशंस वो जगह होती हैं जहाँ पे लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं, जो ऊंची जगह होती हैं, है ना, बहुत ऊंचाई में होती हैं वो हिल स्टेशन. हिल मीन्स क्या होता है, हिल मीन्स पहाड़, है ना. तो पहाड़ी एरिया जो होते हैं उनको हिल स्टेशंस बोला जाता है और बहुत खूबसूरत होता है, कभी जाके देखना. ओके, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज हिल स्टेशंस, वी हैव टू नेम देम. ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, बट you have to, if you know, you have to tell yourself. Okay, so first we have to do read the descriptions and name the hill stations. So here are, as you can see, here, okay, some names are written. Okay, these are the names of all hill stations, as Ooty, Coorg, Munnar, Manali, Tawang, Mussoorie, Srinagar, Darjeeling, Mount Abu. These are the hill stations of India. Okay, so we have to see that. Okay, तो यहाँ पे description दिया रहेगा और हमें यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा hill station है ना. यहाँ से search करके हमें यहाँ पे लिखना है. Okay, यहाँ से search करके हमें यहाँ पे लिखना है. Okay, सो मैं इसको रीड कर रही हूँ. इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. पहले ये पिक्चर देखना. ओके, अगर समझ में आ जाए तो खुद से लिख, पहले ये पिक्चर देखना, फिर इसको पढ़ना, फिर यहाँ पे लिखना. ओके, यही सही तरीका है लर्न करने का और पढ़ने का भी, है ना. पहले इसको देखना, अगर ना समझ में आए इसको पढ़ना, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना, है ना. और अगर वैसे लर्न करना है तो इसको ऐसे लर्न कर लेना डिस्क्रिप्शन के साथ, है ना. क्वेश्चन पढ़ना, फिर इसका आंसर. तो इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. इट इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन. घूम मोनास्ट्री इज़ द फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस प्लेस. ओके, लैंडमार्क मतलब क्या होता है, लैंडमार्क मीन्स होता है चिन्ह, है ना, किसी जगह का चिन्ह होना लैंडमार्क का मतलब होता है. ओके ओके, सो किसी जगह का सीमा चिन्ह हो गया लैंडमार्क. तो इसका आंसर क्या होगा, ये बता रहा है डिस्क्राइब करके, है ना. तो इसका आंसर क्या होगा, दार्जिलिंग. कि दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है. यहाँ पे टी गार्डन भी है और घूम मोनास्ट्री भी है, है ना. तो इससे, इन लाइंस से हमें पहचानना है कि ये कौन सा हिल स्टेशन है. तो ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है. ओके, नाउ सेकेंड नंबर देखो. इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. इट इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, है ना. ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए. तवांग मोनास्ट्री इज़ दी फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस प्लेस. और यहाँ पे तवांग मोनास्ट्री बहुत फेमस है. तो कौन सी जगह है ये, तवांग. ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर. इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका. ये कर्नाटका में है, है ना. इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस, है ना. कहाँ है ये, कर्नाटका में है थर्ड नंबर. और ये कॉफ़ी प्लांटेशन मतलब यहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है और यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, है ना, वर्षावन है यहाँ पे और बहुत सारे मसाले की खेती की जाती है. राजा सीट इज़ द फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस प्लेस. और यहाँ राजा की सीट बहुत फेमस है. ये कौन सा है हिल स्टेशन, कोर्ग.
ओके फोर्थ नंबर, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल, लेक्स, टी प्लांटेशन एंड टेरेस फॉर्म्स. ओके तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है और ये फेमस है वाटरफॉल्स के लिए. वाटरफॉल्स में क्या होता है, झरना. लेक यानी क्या होता है, लेक यानी क्या होता है, झील होता है. टी प्लांटेशन मतलब चाय के खेतों के लिए चाय का बागान उगाया जाता है. और टेरेस फॉर्म्स है ना, और यहाँ पे और टेरेस फॉर्म है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना. यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर में टेरेस, टेरेस का मतलब क्या होता है, छत होता है. तो यहाँ पे वहाँ पे छत नहीं बनाई दी जाती, वहाँ पे ऊपर ऊपर में ऐसे जैसे देखो यहाँ पे बना हुआ है, इसको शेप दे दिया जाता है ना. टेरेस फार्मिंग की जाती है, वहाँ पे चाय उगाई जाती है, शेप दिया जाता है, वो छत जैसे लगता है देखने में, फिर उसे वहीं पे उगाया जाता है. ठीक है बोटानिकल गार्डन इज़ दी फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस प्लेस. और ये वाला गार्डन यहाँ पे बहुत फेमस है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है. ओके तो ये कहाँ पे है, ऊटी में है. ओके नेक्स्ट मनाली. ओके इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स पाइन फॉरेस्ट, है ना. ये देवदार के वृक्ष हैं यहाँ पे, मोनास्ट्रीज है ना. और मोनास्ट्री क्या होती हैं, बार बार आ रहा है मोनास्ट्री. मोनास्ट्री एक ऐसा जैसे हमारा हिंदू धर्म में टेम्पल होती है ना, हम वर्शिप करने जाते हैं. मुस्लिम्स कहाँ वर्शिप करने जाते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं. सिख लोग कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना. इसी तरह से सबके अपने अपने वर्शिप प्लेस होते हैं, है ना. क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं, चर्चेज में जाते हैं. उसी तरह बौद्ध धर्म के लिए मोनास्ट्रीज होती हैं, ये लोग मोनास्ट्री में जाते हैं. और यहाँ पे क्या क्या है, मोनास्ट्रीज, देवदार के जंगल, टेम्पल्स, वैलीज एंड मजेस्टिक हिल्स. और बहुत बड़ी बड़ी, मजेस्टिक मतलब बहुत बड़ी बड़ी, है ना, विशाल हिल्स हैं, है ना. फिर डिडिम्मा देवी टेंपल भी यहाँ पे है, जो कि यहाँ का फेमस मंदिर है. वो कहाँ पे है, मनाली में. नाउ इट इज़ लोकेटेड इन केरला, सिक्स नंबर, है ना. इट इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन, केरला में है ये. और ये अपने टी गार्डन के लिए फेमस है. टी प्लांटेशन मतलब यहाँ चाय उगाई जाती है. और इराविकुलम नेशनल पार्क भी यहाँ पे फेमस है, है ना. तो ये कौन सा है, मनार हिल स्टेशन. ओके सेवन्थ नंबर, इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स, कश्मीरी इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक, कश्मीरी क्विजीन एंड सैनिक ब्यूटी एंड हाउस बोट्स, है ना. मतलब पूरी तरह से इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ पे लेक है. कश्मीरी क्विजीन मतलब होता है भोजन होता है, और बहुत ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं यहाँ पे, है ना. और हाउस बोट्स, है ना, ऐसे ऐसे बोट बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे नाव बनाई जाती हैं जो घर जैसे लगते हैं. ऐसा लगता है तालाब में घर चल रहा है. तो वो कहाँ पे है, श्रीनगर में है. ओके देन एट्थ नंबर, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल, है ना. और ये अपने वाटरफॉल के लिए फेमस है. मिस्टी माउंटेंस, है ना, और माउंटेंस हैं यहाँ पे. और पिक्चर सीनरी पर मतलब यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सीन्स हैं, है ना, इतने ब्यूटीफुल सीन्स हैं जिनको हम देख के ऐसा लगता है कि हम खो जाएँ, मंत्रमुग्ध हो जाएँ. बहुत प्यारा सीन्स है ना, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. केम्प्टी फॉल इज़ फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस प्लेस, और केम्प्टी वाटरफॉल यहाँ का फेमस प्लेस है, जो कि कहाँ पे है, मसूरी में है. ये मसूरी लिखा हुआ है, ये मसूरी में है. नाइन्थ नंबर, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, ये हिल स्टेशन राजस्थान में है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रीन हिल, ये अपने ग्रीन हिल्स के लिए फेमस है. सेरेन लेक्स और लेक है यहाँ पे, है ना. ब्यूटीफुल टेंपल, बहुत सुंदर खूबसूरत सा टेंपल है. सेवरल रिलीजियस साइट्स, और बहुत सारे रिलीजियस साइट्स मतलब धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं. दिलवाड़ा टेंपल यहाँ का फेमस लैंडमार्क है. मतलब ये शहर दिलवाड़ा टेंपल के नाम इसका चिन्ह है ना. हर जगह का लैंडमार्क बता रहा है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये चीज़
वहीं पे बस होगी और कहीं नहीं होगी। तो ये कहाँ है? माउंट आबू में। ओके, यू हैव टू राइट एंड रन इट।